अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय ब्लॉग कराची से मिशिगन। तो आप सबको जैसा कि मालूम है और मेरी वीडियो से भी पता चल रहा होगा, वैसे भी आपको मालूम हो रहा होगा कि इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर खासी प्रोग्रेस दिख रही है। इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर बहुत जल्दी जल्दी इंटरव्यू लेटर्स जो हैं वो लोगों को भेजे जा रहे हैं, काफ़ी सारे DQs को कवर किया जा रहा है। पिछले जो 1-2 साल से जो बैकलॉग चल रहा था, अब हम देख रहे हैं कि फाइनली वो उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेसिफिकली हमें CR1, IR1, IR5 इन कैटेगरीज के अंदर जो है वो बहुत डेवलपमेंट दिख रही है। रोज़ की बेसिस पे हमें पता चल रहा है कि न्यू इंटरव्यू लेटर लोगों को रिसीव हो रहे हैं। कल तक जहाँ तक मैं बात कर रही थी तो मैंने बताया था कि सितंबर तक के लोगों का मुझे मालूम हुआ है जिनको इंटरव्यू लेटर रिसीव हो गए हैं। हो सकता है उसके बाद के भी हों। आज ही सुबह मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अक्टूबर के भी ये शेयर कर रहे हैं कि जी अक्टूबर 2022 का हमारा DQ था और अब हमें भी इंटरव्यू लेटर रिसीव हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक क्विक सी वीडियो बनाई थी जिनमें जिन इंटरव्यू लेटर्स के बारे में मुझे मालूम हुआ है उन्हें आपके साथ शेयर कर दूँ। लेट्स स्टार्ट विद दैट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा खान और इस वक्त मौजूद हैं आप मेरे चैनल पे, जहाँ पे आपको मिलती है इमिग्रेशन और वीज़ा से रिलेटेड, US इमिग्रेशन एंड वीज़ा से रिलेटेड बहुत सारी मालूमात आपको मिलती हैं। लेटेस्ट अपडेट कि कौन से DQs जो है वो कवर हो रहे हैं, कौन से DQs जो हैं उनको इंटरव्यू लेटर रिसीव हो रहे हैं, इस तरह तक की तमाम मालूमात हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करते हैं। एक छोटी सी कम्युनिटी है जिसमें लोग अपने एक्सपीरियंसेस और अपने इंटरव्यू लेटर्स की डेट भी हमारे साथ शेयर करते हैं और मैं आपको अपने तजुर्बे की बुनियाद पर भी बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको 1-on-1 कंसल्टेशन की ज़रूरत है इंटरव्यू वीज़ा प्रेप के लिए, तो हमारे पास रिसेंटली हमने अपनी सर्विसेज शुरू की हैं जिसमें हम आपको, अगर आपका इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर CR1 IR1 वीज़ा का इंटरव्यू आने वाला है तो हम आपको उसकी प्रिपरेशन करा सकते हैं। उसके बारे में जो मैनुअल्स होते हैं, कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करने चाहिए, व्हाट टू एक्सपेक्ट टू दैट डे, इस तरह की तमाम मालूमात मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। अगर आपको इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा लिंक है, उस पर जाके उस फॉर्म को फिल आउट कीजिएगा और फिर हम आपको रीच आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो IR1 CR1 वीज़ा कैटेगरी, इसी के बारे में अपडेट हमें मौसूल हुई है। DQ है October 8, 2022 और इनका जो इंटरव्यू डेट है वो है May 28, 2024। इसके साथ साथ एक और किसी ने हमारे साथ शेयर किया है, उनका DQ है October 6, 2022 और इसके साथ साथ इंटरव्यू की डेट है May 28, 2024। एक और इंटरव्यू लेटर रिसीव हुआ है जिनकी DQ था October 22, 2022, यानी कि October 22, ये तो काफ़ी आगे है अक्टूबर के महीने में, और इंटरव्यू की डेट है May 14, 2024। ये तीन इंटरव्यू लेटर के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने उसे आपके साथ शेयर कर दिया। इसके साथ साथ आप लोगों को किसी भी तरह के, किसी भी कैटेगरी के अंदर इंटरव्यू लेटर रिसीव हुए हो तो काइंडली उन्हें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही खुश आइंद है जो इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट अक्टूबर तक आ गए है, जल्द दिसंबर तक कवर हो जाएगा और फिर फाइनली इस्लामाबाद एम्बेसी 2023 में दाखिल हो जाएगी DQs को लेके, जो कि बहुत अच्छा होगा IR1 CR1 वीज़ा के जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए। तो ये कोई सी चीज़ों की मुझे आपको साथ अपडेट शेयर करनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, उम्मीद है आपको इससे कोई फ़ायदा हासिल हो। अल्लाह हाफिज़।